पादरा तालुका स्वागत कार्यक्रम डेप्युटी डीडीओ की अध्यक्षता में योजायो। पादरा जंबूसर हाईवे बिस्माल बनता सामाजिक कार्यकरे धारदार करी रजूआत सहित अनेक प्रश्नों स्वागत कार्यक्रम में आया था। प्रजाना प्रश्नों निवारण माटे सरकार द्वारा तालुका स्वागत कार्यक्रम आयोजन करवामां आवे छे, जेमां दर महीना छेल्ला बुधवारे दरेक तालुका कक्षानो स्वागत कार्यक्रम योजाय छे। त्यारे पादरा तालुका स्वागत कार्यक्रम वडोदरा जिल्लाना डेप्युटी डीडीओ श्रीमती सी एन भाभोनी अध्यक्षतामां पादरा मामलतदार कचेरी खाते योजायो हतो, जेमां अनेक प्रश्नोनी रजूआत लोको द्वारा करवामां आवी हती। जेमां तालुकानो सौथी मोटो प्राण प्रश्न एवा पादरा जंबूसर खखड़धज रोडनो करवामां आव्यो हतो। पादरा जंबूसरनो बिस्मा रोड तालुका स्वागत कार्यक्रम में चमक्यो हतो। पादराना जागृत सामाजिक कार्यकर शैलेश स्वामी द्वारा अरजी करीने तात्कालिक समारकाम अथवा तो नवो बनावानी मांग करी हती अने वहीवटतंत्र सामे शैलेश स्वामीए नाराजगी व्यक्त करी हती। पादरा तालुका स्वागत कार्यक्रम में अनेक प्रश्नों रजू थया हता, ज्यारे पादरा तालुका स्वागत कार्यक्रम में शैलेश स्वामी द्वारा खखड़धज पादरा जंबूसर हाईवेनी रजूआत अंगे अधिकारीए प्रतिक्रिया आपी हती। आज रोज माननीय मुख्यमंत्री श्री स्वागत ऑनलाइन नो कार्यक्रम हतो। अमारा वडोदरा जिल्ला में अनेक रोडो छे, एमां पादरानो मुख्य रोड छे के पादरा जंबूसर रोड, एनी रजूआत बाबते आज स्वागत ऑनलाइन करी दी। छेल्ला 5-7 वर्षथी आ विषय अनेक लोग राजकीय लोग बिन राजकीय लोग रजूआत करी छे अने बधाए रजूआत करीने बहु सारू काम करी छे, पण छतां घोर तंत्र में ऊँघेला अधिकारीओना माध्यमथी दरेक व्यक्ति ने जुदा जुदा खोटा खोटा जवाबों आपीने लोकोने गैरमार्गे दोरे छे। खरेखर आ पादरा जंबूसर रोड पर जोवा जोईए तो अनेक विधवा बहनों, अनेक डिलीवरी बहनों, अनेक लोको अकस्मातमां, अनेक वडीलो लोकोना बाळको अकस्मात थया छे। टोटल सर्वे करवामां आवे तो अत्यार सुधीने घणा लोको सरकारना चोपड़े नोंधाई चूक्या छे, जेना कारणे लोकोना परिवार उजड़ा थई गया छे। तो लोग दुखी है आ रोड थी, तो आज रजूआत करी थी स्वागत ऑनलाइन मध्यम थी माननीय मुख्यमंत्री से एक मैसेज पहुँचाड़ो तो कि भाई आ रोडन समारकाम तात्कालिक रोड तात्कालिक नवो बनाव तो नवो बना जे कहीं कर छूटवा ये करवा, कारण कि छाला 3-4 वर्ष की एक जवाब समारकाम चालू है थी गयु, तो आज खर्चो थोड़े मारी रजूआत है कि आज 3 वर्ष में जे कहीं खर्चो नहीं खर्चा में तो आ रोड आखो पूरा थी जाए ये परिस्थिति ना बनवा कारण। तो आज जे अधिकारी जे डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट जे अधिकारी घोर निद्रा में है, एमन काम मत रेती कंकर क्वारीओ में जवा तपास कर मेटल कपची जो पाचा उतर अने अँ भी काम आज करे कि कांकरा नाखी दे पत्थर नाखी दे पची पाछू एना फोटो पाड़ी रिपोर्टिंग कर दे भी काम पूर्ण थे। मारी एक नम्र रजूआत थी कि आटलू सरस सरकार काम करी है, आटला करोड़ों रुपया सरकार आपी रही है, तरह आ रोडन काम सारूँ थाय सारी क्वॉलिटीन थाय झड़पी थाय 10 दिवस में कामगिरी पूर्ण कर दी रजूआत थी। और हजूपन ऊपर सुधी माननीय मुख्यमंत्री श्री आरोग्य पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री आ बधाने रजूआत करी कि अमारो पादरा जंबूसर रोड सत्वरे कर दरेक पार्टी दरेक सामाजिक आगे दरेक लोग रजूआत है कि आ रोड थाय मागणी है, लोग थाक्या है, जो आ रोड नहीं थाय तो आ जे अकस्मात में जे लोग मृत्यु थशे एनी जवाबदारी कोने, ये जे ते अधिकारी नहीं रहेशे का तो पछी आने कोर्ट में लई जवानो विषय आवशे के पीएलआई दाखल करवी पड़शे, पण जे लोग अवसान थयुं छे जे लोगोना अकस्मात थया एनो तमाम खर्चो जे ते अधिकारी पासे वसूलवो केम नहीं एनो आप पीएलआई पण करवामां आवशे जरूर जणाशे। सरकारશ્રીના નિયમ મુજબ દર મહિનાના 4th બુધવારે તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમ હોય છે દરેક તાલુકામાં, એમાં મને નોડલ તરીકે પાદરા તાલુકાની જવાબદારી આપેલી છે। આજે અહીંયા અમારી પાસે 20 પ્રશ્નો આવ્યા છે, પણ એમાં એક વધારે પેચીદો પ્રશ્ન છે કે એક જંબુસર પાદરા હાઈવે છે ત્યાં થોડો રસ્તો વધારે ખરાબ છે, તો જે અધિકારી ઉપસ્થિત હતા એમને અમે તાકીદ કરી છે કે સત્વરે તે રસ્તો ઝડપથી પૂર્ણ કરી અને અવરજવર માટે લોકોને સરળતા રહે તે મુજબ અમે સૂચના આપેલી છે। चर्चा करी अधिकारी साथे तो एमने कीधुं के पेचवर्क तो अमारुं सतत चालू ज रहे छे, चोमासाने लीधे पण अमारुं सतत पेचवर्क चालू ज रहेतुं होय छे अने रस्तो मंजूरी माटे पण गयेल छे, मंजूरी आवता ते नवो बनवानो छे पण हाल तो हमणा पेचवर्क एनું ચાલુ જ છે। અત્યારે એવું કે છેલ્લા ઘણી વાર આ જે હાઈવે છે એનું સમારકામ કર્યું છે, તો આટલી બધી વાર સમારકામ કરવાની ફરજ કેમ? ત્યાં લગભગ મેં પૂછ્યું એમ ત્યાં વાહન વ્યવહાર પણ વધારે છે,
એટલે રસ્તો વધારે તૂટી પણ જતો હોય છે અને હાલ ચોમાસાના લીધે પણ ખાસ વધારે તૂટેલો રસ્તો છે. કેટલા સમયમાં આ કામ શરૂ કરવાની ના હાલ તો કામ ચાલુ જ છે, પેચવર્કનું કામ હાલ ચાલુ છે અને સમય મર્યાદામાં લોકો પૂરું કરી દેશે.